वीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. साल 1999। एंड्रयू ही वो शख्स था जो आगे चलकर मेलिटा का रिक्रूटर और फर्स्ट हैंडलर बना। एंड्रयू ने मेलिटा को स्टालिन के सीक्रेट पुलिस यानी NKVD से इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि आगे चलकर KHB ऑर्गेनाइजेशन कहलाई, सोवियत यूनियन की एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का खुफिया काम मेलिटा ने आगे चलकर किया था। इसके लिए उसे एक कोड नेम भी मिला था, कोड नेम होला। मेलिटा को डर था कि आगे चलकर वेस्टर्न यूरोप यानी कि आज के समय के US के पास अनपैरेलल एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर पावर होगी, जो कि वर्ल्ड पीस के लिए सही नहीं है और शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण भी बन जाए। इसलिए मेलिटा ने जासूसी का काम करना अपनाया। बता दें कि एक बार मेलिटा पर इंग्लैंड के इंटेलिजेंस ब्यूरो को शक भी हुआ और उन्होंने ये बात मेलिटा के हेड को भी बताई, पर उस समय मेलिटा के बॉस ने यही कहा कि एक लड़की कभी इतनी अच्छी जासूस नहीं हो सकती, अगर वो जासूस होती तो वो कब की पकड़ी जा चुकी होती। यहाँ मेलिटा के बॉस ने अपने ईगो और ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पर कोई सवाल खड़ा ना हो ये सोचकर अपनी इमेज बचाने के लिए कहा था। उन्हें एक फीमेल के इतने बढ़िया जासूस होने पर ही शक था, जो कि काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी बना था। पर ये समय 20वीं शताब्दी का था, जहाँ ये सारी बातें इंटेलिजेंस ब्यूरो को काफी कन्विंसिंग भी लगी और उन्होंने मेलिटा पर से अपने सारे शक की सुई हटा ली। यहाँ पर मेलिटा को मेलिटा की किस्मत और लोगों की हाइपोक्रेटिक सोच ने उसे बचा लिया। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया और मेलिटा के कम्युनिस्ट और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की तरफ का झुकाव सबके सामने आता गया, वही मेलिटा पर शक भी बढ़ने लगा। साथ मेलिटा के कर साथी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा पकड़े गए थे। आखिरकार 40 साल तक जासूस बने रहने के बाद मेलिटा ने सबके सामने अपनी असलियत लानी सही समझी और अपने घर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने ऊपर लगे एजेंट होने के सभी शक और इल्जामों को सही बताया और कबूल किया कि वो एक जासूस है। और कुछ ऐसी ही कहानी हमें वॉर 2 में भी देखने को मिल सकती है, जहां वॉर जैसे सिचुएशन को डिफ्यूज करने और इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम को चकमा देकर कैसे हमारे हीरोज वर्ल्ड पीस को वापस एस्टैब्लिश करते हैं। ऐसे इंडियन स्पाई की कहानी को लेकर आ रहे हैं बड़े पर्दे पर जल्द ही वॉर 2 के मेकर्स। दोस्तों अब देखते हैं कि वॉर 2 के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास लेकर आते हैं, लेकिन इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी देती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए मौलिक रात स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है जया।